कि जो तेजस्वी यादव रूस गए थे सो पता है ना कह रहा हूँ उपेंद्र कुशवाहा आप भी कुशवाहा जी हैं तो कुशवाहा जी एक नीतीश जी से अलग होके वो पार्टी बनाए तो पूरा कुशवाहा समाज उनके साथ है कि आपकी पार्टी में है कहे की आपके माले में तो चार चर गए माले से विधायक है कुशवाहा माले इस सरकार में बाहर से समर्थन किया न किया ऐसे छूए ऐसे ऐसे नहीं होता है तो आप न किया ऐसे नहीं छुए दलित की छात्रवृत्ति बंद होगी सरकार बंद किया है या गलत किया है आप तो हैं सरकार में मैं पहले ही कह दिया कि सरकार गलत किया है और हम लोग विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है हाँ। सरकार को इसमें घेरेंगे हम लोग मतलब अपनी सरकार को घेरेंगे गे। तो, तो क्यों नहीं घेरेंगे कल ही हम लोग देखे कि दलित तो और कमजोर वर्ग के लोगों को उजाड़ने के लिए सिवान में बुलडोजर पहुंचा हुआ था मैंने सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ खड़ा रहा जम के लड़ाइया हुई हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी भी आप लोग तो अधिकार मांगते हैं तो नहीं। लेते कहे है नहीं अब पूछिए उपेंद्र जी से अगर ये बात पूछा जाए कि आप बताइए ना कि किस सवाल पर अलग हो गए हैं बोले कि हमको तेजस्वी का नेतृत्व मंजूर नहीं है आपका बैंक ऑफ बड़ोदम खाता है क्या नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा क्या बयान दिया पता है सर बैंक ऑफ बड़ौदा क्या किया बैंक ऑफ बड़ौदा कहा कि हमको अडानी को लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है शेयर गिरे चाहे जो उसकी चिंता नहीं, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि ये देश दो ही आदमी के हाथ में है सारे बैंक है। और मोदी जी ने पूरे अडानी और अंबानी को देश दे दिया है हमारे देश के सारे संपत्ति को बेच दिया है रेल को बेच दिया भेल को बेच दिया हवाई अड्डा को बेच दिया जमीन भी बेचने की उन्होंने कोशिश किया तो जमीन पर किसानों ने उनको सबक सिखा दिया जिस दिन हिंदुस्तान के किसान मजदूर एकजुट हो जाएगा मोदी को इस देश से उखाड़ करके फेंकेगा और फेंकेगा ही नहीं इनका हाल हिटलर का हो जाएगा पहले दिन जाके पार्लियामेंट के सामने आदमी आ गया और हिटलर ने कहा कि अपने देश में स्टेडियम का नाम अपने नाम से किया जिंदे में भी स्टेडियम का नाम अपने नाम से किया सब काम फोटो देख रहे बाबा साहब का जो दिल्ली में नहीं है जी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर हाँ। यहाँ पर बाबा साहब के आगे रख दिया यही करेंगे अब अजोध्या के बाद उन्होंने नारा दे दिया कि अयोध्या तो झाकी है और काशी मथुरा बाकी है यादव का वोट लेना है तो कृष्ण जी की बात करेंगे <laughs> देखिए अब <अबूग। laughs> बिहार सरकार में एक मंत्री हैं राजद कोटेस नाम है सुरेंद्र यादव वो जो बीजेपी सरकार ये के केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है वो अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर को बहाल किए हैं उस, उन, उन लोगों को हिजड़ा कह रहे हैं सर हम तो बोलना नहीं देखिये आठ साल के बाद देश का नाम आवेगा हिजड़ो के फौज में हिजड़ो का फौज ये मैं बोलता हूँ साढ़े आठ साल के बाद जितना पुराना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा ये जो साढ़े चार साल का जो अग्निपथ वाले वीर वाले लोग जो बाहर लोग हैं तो ट्रेनिंग है पूरा नहीं होगा तो चल आएंगे रिटायर होके तो जब उस पर कुटुब आवेगा शादी भी आके पूछेगा क्या नाम है बाबू तब विजय सिंह विजय कुमार विजय यादव विजय प्रसाद और बाबू जी का नाम अवधेश यादव अवधेश सिंह अवधेश कुमार अवधेश करते हो तो रिटायर फौजी हो होगा भैया अगर रिटायर करेंगे तो परमानेंटली रिटायर है चला कहाँ बेटी देकर बर्बाद करवाए क्या जीवन भाग चलेगा वो गाड़ी भी गाड़ी से भी आवेगा तो गाड़ियों छोड़ देगा इसी पैदल भाग चलेगा समझ गया ना कि साढ़े चार साल के बाद इसके लिए क्या व्यवस्था हो रहा है हम प्राइम मिनिस्टर से जानना चाहते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर है अम, अमरजीत कुशवाहा जी माले के विधायक हैं सर सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को के तमाम दर्शकों को धन्यवाद देता हूं और जहां तक हमारी सरकार की बात आप कह रहे हैं तो हैं। आप सब लोग जानते हैं कि माले इस सरकार में बाहर से समर्थन किया है इसलिए हम सरकार नहीं चलाते हैं हम बल्कि सर। सरकार का समर्थन किए हुए हैं इ, सर एक हुआ हम बताते हैं सरल भाषा हमारे लोग फोन आ रहा है सर कह रहे हैं कि आप सरकार में सीधे तौर पर नहीं हैं देखो हम लोग तरफ क्या बोले सर गांव में बोला जाता है नकिया ऐसे छुए ऐसे नहीं होता है तो आप नकिया ऐसे नहीं ने ने होती तो हम मंत्रालय में खुद सब हम लोग हमारी पार्टी से बर्थ खाली रखा गया था मांगा जा रहा था हम लोग नहीं गए तो क्यों नहीं गए इसका भी तो मायने मतलब है आप माले मतलब से हैं आप लोगों की लड़ाई लड़ती है जन आंदोलन की पार्टी है थर्ड जेंडर को आप लोग क्या समझते हैं मतलब जो लोग थर्ड जेंडर के पक्ष में हमारी पार्टी मजबूती से खड़े होती है और है। आगे भी हम खड़े हैं है। हमारा अभी पार्टी का महाधिवेशन हुआ इसमें जम करके हम लोग थर्ड जेंडर के पक्ष में खड़े रहे और उनके अधिकार के बाद हम लोगों ने आगे मुद्दा बना करके लड़ने की भी बात के साथ जोड़े तो ऐसा नहीं है कि थर्ड थर्ड जेंडर को हम लोग आदमी नहीं मानते हैं और जहाँ तक मंत्री जी ने कहा है तो हम समझ रहे हैं कि मोदी जी का जो प्लान है देश में सेना भर्ती का ये रिटायरमेंट का प्लान है इससे आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो सेना में जाएगा वो भाग काफ़ी कमज़ोर होगा उस अभी भर्ती होगा ही कि उसके गर्दन पर तलवार लटकी रहेगी तो योजना का हम लोगों ने जम के विरोध किया था ठीक योजना विरोध करिए बिहार ने विरोध किया था तो उनका जो 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 उसमें कहने का जो सेंस मैं जो समझ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भाई चार साल में अगर ट्रेनिंग ही नहीं कर पाएगा कोई फौज तो ताकतवर कैसे होगा मजबूत कैसे होगा तो भावना को समझना चाहिए भीम सिंह एक मंत्री थे सर। करने के नियत से ये बात बोले हों या उसको जो है सेना को अपमानित करने के नियत से बोले या थर्ड जेंडर को अपमानित करने के नियत से बोले मैं नहीं समझता मैं जो समझ रहा हूँ का जो योजना है ये रियल में माने देश के नौजवानों के साथ विश्वासघात है और देश के सुरक्षा के साथ भी विश्वासघात है आप सरकार में हैं दलित की बात करते हैं पिछड़े की बात करते हैं दलित की छात्रवृत्ति बंद हो गई सरकार बंद किया है गलत किया है तो आप तो हैं सरकार में मैं पहले ही कह दिया कि सरकार गलत किया है और हम लोग विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है हाँ। सरकार को इसमें घेरेंगे हम लोग मतलब अपनी सरकार को घेरेंगे तो क्यों नहीं घेरेंगे हमारी देखिए हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया है कि हम सरकार को इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि भाजपा का जो देश विरोधी अभियान है लोकतंत्र और संविधान के ऊपर जो हमला है देश के आम जनता के ऊपर जो हमला चल रहा है भाजपा को इस सरकार इस देश प्रदेश से हमको सरा, सरा, सत्ता से हटा देना है हमने तय किया और इस दिशा में आज पूरा देश बढ़ रहा है लेकिन हम नीतीश जी के साथ ये कंप्रोमाइज कभी नहीं कर लिए सरकार के साथ आ कि हम सरकार जो करते रहेगी हम उसका समर्थन करेंगे इसलिए महासचिव ने साफ साफ कहा कि हम सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करेंगे और आज हम कर रहे हैं कल ही हम लोग देखें कि दलित और कमजोर वर्ग के लोगों को उजाड़ने के लिए सीवान में बुलडोजर पहुंचा हुआ था मैंने सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ खड़ा रहा जमकर लड़ाइयां हुई जमकर के जनता का हमने साथ दिया और बहुत प्रतिरोध के बाद थोड़ी बहुत नुकसान के साथ उन लोगों को भागना पड़ा तो हम लोग और हमारी पार्टी के सभी एम को आप देखते होंगे सभी पार्टी के नेताओं को देखते होंगे कि हम अपने स्टैंड पर कायम है और इसीलिए हमने सरकार के भीतर शामिल नहीं हुआ हम सरकार न्योतत् मिल रहा है सर न्योतत् नीतीश बोल रहे हैं कि अगर ये लोग चाहेंगे तो मंत्रिमंडल का विस्तार नेता तो पहले भी मिला था कोई हमारा अधिकार भी बनता था ऐसा थोड़ी है हमने बारे बारह तो आप तो, हम, तो हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते मांगते आप लोग लोग तो अधिकार मांगते हैं तो लेते कहे है नहीं ये अभी हम जो समझ रहे हैं कि ये जो बिहार की सरकार है इस सरकार में हमारी जो हैसियत है हम जाकर के सरकार के नीतियों को बहुत प्रभावित नहीं कर सकते हैं और हम जिस जनता के मुद्दे को लड़ लेकर लड़ रहे हैं हमारा जो जमीनी संघर्ष है ये संघर्ष बाधित हो जाएगा इसलिए हमने सरकार का समर्थन करते हुए अपने मुद्दों के को लेकर के सरकार से बात भी करते हैं मीटिंगों में उठाते हैं हम अभी भी मांग पर अड़े हुए हैं कि सरकार जो है एक संयुक्त रूप से समन्वय समिति का निर्माण करे और एक कमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करे हालांकि अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है तो ये हम लोग चाहते हैं अच्छा उपेंद्र कुशवाहा आप भी कुशवाहा जी हैं तो कुशवाहा जी एक नीतीश जी से अलग हो वो पार्टी बनाए तो पूरा कुशवाहा समाज उनके साथ है कि आपकी पार्टी में है कहे कि आपके माले में तो चर्चर के माले से विधायक है कुशवाहा समाज देखिए के अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है भाकपा माले और समाज के एक सबसे कमज़ोर तबका पर अन्याय हो तब भी लड़ती है मध्य वर्ग के खिलाफ मध्य वर्ग पर भी अन्याय होता है लड़ते हैं उनके अधिकार के लिए हम लड़ते हैं किसानों के लिए लड़ते हैं तो सच्चाई तो यही है कि कुशवाहा समाज का भी संघर्ष भाकपा माले ही कर रहा है और ये लोग जो है कुछ ऐसे नेता लोग हैं जो अपना जाति का नाम लेकर के इस समाज के भीतर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं कि नाम बोलिए ना खुल के सर वो जिनका नाम आप लोग ले रहे हैं तीन लोग कोशिश करते हैं और पिछले दिन एक पार्टी भी बनाए रालोसपा बना करके इन्होंने काम किया लेकिन अपने स्वार्थ में हमने देखा कि जा कर के व्यक्तिगत स्वार्थ में नीतीश जी के पार्टी में विलय कर दिए उस समय भी कुशवाहा समाज का भारी विरोध था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जब आप बिहार के किसी जनता के मुद्दे पर अलग हो जाते तो एक बात समझ में आती अब पूछिए उपेंद्र जी से अगर ये बात पूछा जाए कि आप बताइए ना कि किस सवाल पर अलग हो गए हैं बोले कि हमको तेजस्वी का नेतृत्व मंजूर नहीं है अभी तो तेजस्वी जी नेतृत्व में है नहीं अभी तो नीतीश जी नेतृत्व में है तो और आगे तेजस्वी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं इस गठबंधन के तो अधिकार उनका बनता ही है तो इसलिए वो अगर नीतीश जी का नीतीश जी क्या बोलते हैं चाहे उनकी पार्टी क्या करती हो तो फैसला अभी गर्व में है लेकिन आज ही वो अपने कुर्सी के लिए अपने स्वार्थ में छोड़ करके अलग पार्टी बना लिए तो मैं तो कुशवाहा समाज के लोगों से कह रहा हूँ कि, कि किसी को अपनी चिंता हो और जनता की चिंता ना हो अपने समाज की भी चिंता ना हो तो वैसे लोगों के साथ अब मैं तो समझता हूँ कि नहीं रहना चाहिए अच्छा ये जो तेजस्वी यादव रूस गए थे सो पता है न चरा

पूर्णिया हमारी पार्टी के लोग जा रहे हैं हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जा रहा है, न, तो जा रहा है। हम लोग को अभी ऐसा आदिस नहीं है हम लोग का क्षेत्र भी नहीं पड़ता है अच्छा, आप बता रहे बिहार में पार्टी है तो बिहार के किन किन जिला के लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना ही पार्टी कमेटी तय करेगी भीड़ तो माले ही सबसे ज्यादा जुटाती है खास करके जो मिथिला सीमांचल का जो इला इलाका है जो पूर्णिया के इर्द गिर्द का जो इलाका है उस इलाके के हमारे सारे माले के जनता भी रहेगी और हमारे नेता यहाँ स्टेट के जो नेतृत्वकारी लोग हैं मेन लोग हैं वो जाएंगे हमारे हो स, हमारे पार्टी विधायक दल के नेता महबूब शाह भी जाएंगे और सब लोग शामिल होंगे एक एक सवाल भाजपा वाला लगातार बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बताएंगे एकदम जो है हिंदुस्तान में एक सेकुलर संविधान है और हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारे संविधान को नष्ट करना चाहते हैं ये मानसा हम लोग पूरा नहीं होने देंगे और इस हिंदू राष्ट्र का जो उनका कंसेप्ट है वो आरएसएस के कंसेप्ट के आधार पर मनुवाद के कंसेप्ट के आधार पर देश चलाना चाहते हैं इस देश का तय मंजूर नहीं करेगा और इसके खिलाफ़ देश में बगावत होगी तो इसी पर एकजुट हो जाता है लोग देखिए ये बात सही है कि पिछले दिनों दोहरी चेहरा लेकर के मोदी जी ने देश को धोखा दिया है एक तरफ हिंदुत्व तो का एजेंडा को भीतर से संचालित किया और दूसरे तरफ जनता के लोकप्रिय मुद्दों को उठाया लेकिन मैं देखा कि आठ नौ साल की सरकार में उन्होंने सबके साथ विश्वासघात किया नौजवानों के साथ विश्वासघात किया आम गरीबों के साथ विश्वासघात किया वो महंगाई के सवाल पर भी जनता के साथ झूठ बोले काला धन के सवाल पर झूठ बोले और अब तो अमेंडमेंट ला ला करके हमने देखा कि कोरोना काल का भरपूर इस्तेमाल करके इस देश के संविधान को भी नष्ट किया आप पैसे के बल पर इनके पास दो गो आदमी हैं एक अडानी है और एक अंबानी है उनको पूरा देश बेच रहे हैं पूरी ऑस्ट्रेलिया तक जाके कोयला का ठेका दिलवा रहा है तो ये कुल मिला करके दो लोगों के हाथ में देश को बेचने की जो उन्होंने कोशिश किया आज पूरे देश की जनता उनके खिलाफ खड़ी हो रही है सर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा खाता है क्या नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा क्या बयान दिया पता है सर है बैंक ऑफ बड़ौदा क्या किया बैंक ऑफ बड़ौदा कहा कि हमको अडानी को लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है शेयर गिरे चाहे जो उसकी चिंता नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि ये देश दो ही आदमी के हाथ में है सारे बैंक और मोदी जी ने पूरे अडानी और अंबानी को देश दे दिया है हमारे देश के सारे संपत्ति को बेच दिया है रेल को बेच दिया भेल को बेच दिया हवाई अड्डा को बेच दिया जमीन भी बेचने की उन्होंने कोशिश किया तो जमीन पर किसानों ने उनको सबक सिखा दिया आपने देखा एक साल तक देश के अन्नदाता जो है किसान जो धरती को चीर पैदा करता है अपना खून पसीना एक कवि ने कहा है कि जेठ जेठ हो 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 या हो हो या कृषकों को कभी आराम नहीं अब बसन कहाँ सुखी रोटी मिलती दोनों शाम नहीं शायद उनको इनकी ताकत का अंदाजा नहीं था कि जो खून पसीना देकर के अन्न पैदा कर सकता है वो अगर एकजुट होकर के खड़े हो जाए तो मोदी क्या कोई भी बड़ा से बड़ा हिटलर की हिटलरी निजाम को हिला सकता है और मोदी को घुटने टेका दिया तो ये चाहते हैं कि देश बेच देंगे और देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नष्ट कर देंगे जनता के अधिकारों को छीन लेंगे आ, और हमने देखा कि कोरोना काल में इन्होंने मजदूरों के साथ विश्वासघात किया उनके जो कानून बने हुए थे जिसमें उनके राइट थे यूनियन बनाने का उसको भी इन्होंने शिथिल कर दिया तो ये सब जो कर ले रहे हैं जिस दिन हिंदुस्तान के किसान मजदूर एकजुट हो जाएगा मोदी को इस देश से उखाड़ करके फेंकेगा और फेंकेगा ही नहीं इनका हाल हिटलर का हो जाएगा अभी देख रहे जिंदे में हमने तो हिटलर को पढ़ा था मुशोलनी को पढ़ा था आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में उसी चेहरा को लेकर के जनता के बीच लोकप्रिय बात बोल करके धोखा में डाल करके और ठीक उसके उल्टा काम इन्होंने आया तो मैं तो देख रहा था कि पहले दिन जाके पार्लियामेंट के सामने पूरे जो है माथा टेक रहे थे उसी दिन मुझे लग गया था एकदम हिटलरी चेहरा एकदम हिटलर के अंदाज लोकतंत्र को ख़त्म करने वाला आदमी आ गया और वो हिटलर ने कहा किया कि अपने देश में स्टेडियम का नाम अपने नाम से किया जिंदे में इन्होंने भी स्टेडियम का नाम अपने नाम से किया सब काम अब बताइए ये लोग जो है जितना प्रतीक है हमारे मुग़लों से पूछ रहे हैं कि हमारे मुसलमानों से कह रहे हैं कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट दीजिए अरे ये लोग देशभक्ति का देना इन लोगों के पास है ये बताइए कि गांधी जी क्या देशभक्त नहीं थे जिनको पूरा हिंदुस्तान राष्ट्रपिता के नाम से जाना और राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी और उस महात्मा गांधी के जो हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे है उसको ये लोग सम्मानित करने के बारे में देश से कह रहे हैं कि देश रत्न का पुरस्कार मिले तो ये नाथू गांधी के पक्ष वाले हैं कि नाथू राम गोडसे के तो देशभक्ति तो एक सर्टिफिकेट इन लोगों को देना चाहिए कि नाथूराम देशभक्त था जो गांधी जैसे महान नेता को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को अपने नेतृत्व में लड़ा और उनकी हत्या कर डाली तो इ कुल मिलाकर के ये लोग मुगल गार्डन का नाम इन्होंने अमृत धान रख दिया ये क्या हो रहा ये देश को चाह रहे हैं विकास कि अपने हाथ से चलाएं विकास नहीं विनाश चाहते हैं और इस विनाशकारी ताकतों को और हिटलर जैसे चाल चलने वाले तनाशाह ताकतों को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं किया है और जब जब यहाँ के लोग खड़े हुए हैं ऐसे लोगों का खात्मा हुआ है फोटो देख रहे हैं सर ये बाबा साहब का जो दिल्ली में नहीं है जी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर हाँ यहाँ पर देखिये बाबा साहब के आगे रख दिया सिविल यही करेंगे बाबा साहब तो हिंदू यही करेंगे जबकि बाबा साहब हमेशा माने ये बौद्धिस्ट थे बुद्ध विचार को मानते थे प्रगतिशील विचार को मानते थे उन्होंने इस अपना जीवन में बुद्ध का धर्म भी ग्रहण किया था तो यही लोग करेंगे ये जा चाहते हैं कि देश में हमेशा झगड़ा लगा रहे हम लोग तो उस दिन बड़ी खुशी हुई कि चलिए भाई एक बड़ा विवाद जो देश में चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक डिसीजन दिया हालांकि डिसीजन सही नहीं था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर साफ कहा कि जो विवादित जगह वहाँ मंदिर बने और बगल में पाँच एकड़ पर जो है मस्जिद बन जाए तो हम लोगों को लगा कि चलिए देश में कम से कम अब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होगा लेकिन इन लोगों ने क्या किया अब अयोध्या के बाद उन्होंने नारा दे दिया कि अयोध्या तो झाकी है और काशी मथुरा बाकी है तो, आगे फिर जो है ताजमहल को कह रहे हैं तो पूरे देश को यादव का वोट लेना है तो कृष्ण जी की बात करेंगे <laughs> देखिए अब जो लोग जाति के आधार पर वोट लेते हैं किनका किनका बात करेंगे हम नहीं कहते हम लोग साफ साफ किसान मजदूर का बात करते हैं और किसान मजदूर के जो जैनमिन मुद्दे हैं जिंदगी का जो प्रश्न है नौजवानों के रोजी रोटी का प्रश्न है गरीब गरीब गुरबे लोगों का जो जिंद सम्मान का प्रश्न है महिलाओं का सम्मान का प्रश्न है इंसानियत का प्रश्न है इस मुद्दे पर हम लोग करते हैं और हम देश को जाति में और धर्म में नहीं हम देश को चाहते हैं कि देश का वर्गीय दृष्टिकोण से विभाजन हो और जो देश के लुटेरे लोग हैं उनके खिलाफ पूरे देश की जनता है बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए तो कैसी लगी बातचीत पूरी बताइए कमेंट बॉक्स में फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं कर लीजिए यूट्यूब वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं घंटी बजा कीजिए जय भीम जय भारत